जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हमारे चावल बचे हुए जो बच जाते हैं बनाते हैं अक्सर बच जाते हैं, तो उसको हमने किस तरह से इसको यूज़ करा है नाश्ते में, किसी में भी आप बना सकते हैं। तो ये देखिए ये चावल है मेरे बने हुए, बच गए थे जो, तो मैं इसमें ये डालती हूँ। कितना टेस्टी नाश्ता बनता है ये देखिए। और मैं इस चावल को चमचे के सहारे से इसको थोड़ा सा महीन कर लेती हूँ, थोड़ा मिक्स कर लेती हूँ एक साथ। और ये देखिए ये चावल है, और ये मैंने एक आलू उबाल लिया था तो इसको भी मैं इसी में डाल देती हूँ। और ये हरी मिर्च, आप मिर्च तो अपने हिसाब से जो भी आपको कम पसंद हो, ज़्यादा तेज़ जैसा भी आपको खाना है वैसे यूज करिए। और ये छोटा सा मैंने प्याज डाला है इसमें, और ये शिमला मिर्च को छोटा छोटा महीन महीन काटा है मैंने इसमें, यूज किया है। और ये है गाजर, आप इसमें कोई भी सब्ज़ी आपको जो भी पसंद है आप उसमें यूज कर सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। और मैं इसमें देखिए थोड़ी सी लाल मिर्च डाल रही हूँ, वो भी आप स्वाद अनुसार जैसा भी आपको पसंद हो, तीखा कम ये डालती हूँ मैं। ये बहुत अच्छा नाश्ता में तैयार होता है बचे हुए चावल का, आप घर के लिए भी बना सकते हैं, और कोई गेस्ट भी आया है तो चावल पच जाते हैं तो आप उसकी भी बना के रख सकते हैं। कटलेट बनाइए आप, बहुत ही स्वादिष्ट कटलेट बनते हैं इसके। तो ये देखिए नमक डाल दिया है मैंने स्वाद अनुसार, जैसा भी आप नमक पसंद करते हैं, तेज हल्का लाइट, तो वो सब डाल दिया है मैंने इसमें। अब ये देखिए मैं इसको मैश कर देती हूँ। अब मैं इसको मैश का यूज कर रही हूँ, इससे अच्छी तरह से मैश हो जाएगा मेरा। अब मैं इसमें ये देखिए पूरा मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा अमचूर पाउडर डालूँगी, अमचूर पीसी हुई डाल रही हूँ इसमें, थोड़ा सा इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ये देखिए कटलेट में बहुत टेस्टी कटलेट बनते हैं, इतने क्रिस्पी बनते हैं, बचे हुए चावल भी यूज हो जाते हैं और सारी सब्जियां भी इस माने सब बच्चे भी खा लेते हैं, बड़े से लेके छोटे बच्चे तक बहुत पसंद करते हैं, कोई पहचान नहीं पाएगा कि ये बचे हुए चावल का हमने कटलेट बनाए हैं। देखिए मैंने एक ही आलू इसका इसमें यूज करा है। अब मैं देखिए इसमें बनाती हूँ आपको। अभी देखिए हमने इसको अमचूर मिला दिया है इसमें। अब मैं देखिए छोटे छोटे कटलेट बना रही हूँ, कोई भी आप शेप दे सकते हैं जो आपको पसंद हो। और ये देखिए मैंने हाथ भी थोड़ा सा चिकना कर लिया था, बहुत टेस्टी बनते हैं, आपके बचे हुए चावल भी यूज हो जाते हैं और सब्जियां भी इस बहाने खा ली जाती हैं। इसी तरह से हम सारे कटलेट बना के रख लेंगे। थोड़ा सा हाथ से ऐसे पेश कर देना, देखिए इसी बना लिए, रेस्ट कर दिया इसको, देखिए कितने अच्छे बन गए मेरे। एक कटोरी चावल थे और एक आलू था, और देखिए कितना अच्छा कटलेट बन के तैयार हो गए। अब मैं आपको सालो करके सेक के दिखाती हूँ। देखिए हमारा तेल गर्म हो रहा है, इसको इतना ही नीचे ही रखना है, ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना है। अब मैं आपको भी तेल थोड़ा और गर्म होगा, 2 मिनट चाहिए। देखिए हमारा गर्म हो गया है ये तेल, अब मैं इसमें एक एक करके डालती हूँ। देखिए ऐसे ही डालना है, डीप फ्राई नहीं करना है, पूरा मैंने उसके हिसाब से ही तेल को डाला है। आराम से सीख रहे हैं, और उसको 2 मिनट बाद हम इसको चलाएंगे, एकदम नहीं चलाना है।
थोड़ा सा अभी चलेगा। ये बहुत कटलेट बहुत टेस्टी बनते हैं, इसको हरी चटनी, खट्टी मीठी चटनी, सौंफ से किसी से भी आप खाइए, बहुत ही टेस्टी बनते हैं, अलग ही इसका टेस्ट आता है। ये देखिए कितने अच्छे से किए, कम तेल में मैंने इसको बनाया है। ये देखिए कितने अच्छे लाल कलर आया है। इसको इसी तरह से मैंने 5 मिनट बाद 2 मिनट बाद इसको पलटा है। इसको अभी मैंने इस तरह से आपको बताया है, अब मैं दूसरी तरीके से भी आपको बता रही हूँ। देखिए अब ये मेरे सिक गए हैं, मैं इसको निकाल रही हूँ। बस देखिए हमारे ये इस तरह से सिके हैं, अब मैं आपको दूसरी तरीके से सेक के बताती हूँ। अब ये मैंने ब्रेड क्रम लिया है, जो मैंने इसको मिक्सी में पाउडर बना लिया है इसका, आप भी इसको घर में बहुत आराम से बना सकते हैं। ब्राउन ब्रेड लिया है मैंने इसको, अब मैं इसको इसमें ऐसे करके ये देखिए ब्रेड क्रम, ये देखिए इस तरह से कर लीजिए, इसे बनाए हैं, इसको ब्रेड में लगाया है हमने, इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। देखिए अब इसको भी मैं थोड़ा सा हिला रही हूँ, 2 मिनट हो गए हैं इसको, बहुत ही क्रिस्पी अच्छे लगेंगे आपको। ये देखिए मैं अब इसको पलट रही हूँ, आप एक दूसरे स्पून को सारे से इसको सारे पलट दीजिए। देखिए कितने अच्छे बने ये, इसी तरह से इसको सारा लेके फिर हमको सेकना है हमको। चावल कितने अच्छे कटलेट बने हैं, ब्रेड क्रम लगाया था मैंने, आप इस तरह से भी बना सकते हैं। अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ, कितना कम तेल डाला था उतने का ही उतना है, और डिप भी नहीं हुए हैं, बिल्कुल ही हल्के उसमें सिके हैं। देखिए आराम से जितना था, देखिए हमारे बचे हुए चावल के कटलेट कितने अच्छे बने हैं, कितने ही कम समय में और झटपट तैयार हुए हैं। ये देखिए मैंने उससे बनाए हैं, थोड़ा सादा कुछ नहीं डाला था इसमें, इसमें मैंने ब्रेड कम जो चूरस को मैंने मिक्सी में पाउडर बना के ब्राउन ब्रेड का यूज करके उसको इस तरह से सेका है मैंने। और ये देखिए आवाज़ कितने क्रिस्पी बने हैं, ये देखिए, और ये ब्रेड वाले हैं तो, और इसमें देखिए कोई चिकनी भी नहीं लगी है, और देखिए कितनी इसकी आवाज़ अच्छी आ रही है। ये देखिए आप इसको अंदाज़ लगा सकते हैं, इसमें तो मैंने ब्रेड का भी यूज नहीं किया था, और हाथ से भी देखिए कोई यूज चिकनी का कुछ भी नहीं है इसमें, बिल्कुल सूखे बने एकदम, क्योंकि मैंने डिप फ्राई नहीं करे थे, जितना मैंने तेल डाला था उतना ही रहा कम तेल में, जो आजकल कम लोग यूज करते हैं तेल खाते हैं, तो आप बचे हुए चावल का अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। और देखिए कितने अच्छे बने, ये मैंने खट्टी मीठी चटनी बनाई है सॉल्ट की, और आप इसको खाएंगे कटलेट इतने टेस्टी लगेंगे कि आपको मैं बता नहीं सकती। प्लीज़ इसको एक बार ज़रूर बनाइएगा, और इसमें कोई भी आपको सब्ज़ी जो भी पसंद है तो आप उसमें यूज कर सकते हैं, और जैसे मैंने इसमें गाजर है, शिमला मिर्च, प्याज डाला है, आपको जो भी सब्ज़ी पसंद है जो भी घर में पड़ी है आप उसमें डाल सकते हैं। और एक बार है कि कोई सब्ज़ी भी नहीं है आपके पास, खाली चावल हैं बचे हुए, तो आप उससे भी सादा बना सकते हैं, और आलू डाल दो थोड़ा सा, तो बस उसी से भी सारे मसाले डाल दो जो मैंने डाले हैं, उससे भी बहुत अच्छे टेस्टी बनेंगे, बचे हुए चावल का आपका यूज हो जाएगा और अच्छा खासा नाश्ता तैयार हो जाएगा। प्लीज़ इसको ज़रूर एक बार बनाइएगा। अगर ये हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।